अज आप तत् बेता ब्रह्म बेता ब्रह्म श्रोत्री ब्रह्म निष्ठ ब्रह्म वक्ता महापुरुषों की याद विच जुड़े हाँ। धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज आज इन्हां दी फुलवाड़ी है सारी ये फुलवाड़ी दे फुल तुसी बने बैठे हो जेड़े अज ये फुलवाड़ी धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज ये फुलवाड़ी धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज दी ते उन्हां तो वरोसाए कोई महापुरुष सत्कार योग कर्म योगी संत बाबा गेजा सिंह जी आज इन्होंने इस इलाके विच आके रंग लाया है। ये सिखी का प्रचार का केंद्र है। ये किसी साधा का डेरा नहीं है। ख्याल ध्यान देना जरा। एक कड़ा खाने साधा का डेरा नहीं है। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज का बचन है। असी कलंगी धर दे संत सिपाही है। ये बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज वो जिन्हां दी याद मना रहे हाँ आपां निरोल गुरमत नानक सर दे दो लक्ष ने लक्ष दो निशाने केड़े एक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं प्रगट गुरां की दे समझ के पूजा करनी ते दूसरा खंडे बाटे दा अमृत छकाउणा ये दो तीजी गल ही कोई नहीं ना नोट थे ना वोट गल ही कोई नहीं है इत्थे नोट दी गल किते है वोट दी गल ना राजनीतिक नूं जगह है ना वोटां दी मंग ना नोटां दी मंग ना नोटां दी मंग ना वोटां दी मंग निरोल धार्मिक पंथ प्रस्त ख्याल बाबा जी कहंदे सी मेरी वोट तां हमेशा ही पंथ दी है मेरी वोट हमेशा गुरु नानक दी गुरु नानक दी गुरु नानक पातशाह दी ए दो लक्ष ने नानक सर कलेरां दे जितने भी संबंधित स्थान बने ने भारत विच विदेशां विच यूरोप विच अरेबियन कंट्री विच रात दास पटियाले सी उत्थे सतसंगी एक दुबई तो आए कहंदा जी मैं अपने घर ही नानक सर बनाया होया है दुबई च रात ही पटियाले सी पंजाब जी दुबई तो रात पहुंचे पटियाले संगियां दे कोई संबंध सी शादी सी बेटी दी शादी करन आए वो गुरबाणी का कीर्तन करते ने गृहस्थी होंदया होया प्रचार करते ने ते वो कहन लगे जी तकरीबन 5-7 हज़ार संगत बैठ जाए एडा वड्डा हाल बनाया है ते वो संगी कहिंदा दास ने घर विच ही नानक सर बनाया तो नानक सर अरेबियन कंट्रीज दे विच नानक सर अमेरिका विच नानक सर कैनेडा विच नानक सर इंग्लैंड विच नानक सर यूरोप कंट्रीज दे विच हर जगह नानक सर दी ए मर्यादा है लक्ष्य है गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं प्रगट गुरां की दे समझ के पूजना ते पूजा सिखाउणी ते खंडे बाटे दा अमृत छकाउणा ते जिहड़े महापुरशां ने आ तुहाडे इलाके विच आ के रंग भाग लाए ने जंगल च मंगल लगाया इन्हां महापुरशां दी तां ड्यूटी अमृत छकाउण दी है नानक सर खंडे बाटे दा अमृत छकाउणा गुरु दे लड़ लाउणा तो आओ धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज एक बार कोई संगी आए बाबा जी सचखंड दे अगे खलोते सन भुगता रहे सी संगत नूं उन्होंने नगर वालिया ने बेनती की बाबा जी साढ़े नगर चलो सानू भुले भटके जीवां नूं गुरु नाल जोड़ो कृपा करो बाबा जी कहिंदे हुण तां असीं वी बाहर किते जा ही रहे सी तुसीं आ गए असीं जदों आए तां फिर दसणा ओह कहिंदे जी कदों आईए बाबा जी बड़े दयालू बाबा जी कहिण लगे तुसीं
बजुर्ग बड़ी दूरों आए, उन्होंने दिनों च साधन नहीं सी होंदे, सड़कां पक्कियां नहीं सी होंदियां, बिजलियां खेतां विच नहीं सी आईयां। ये उस जमाने की गल। बाबा जी कहिंदे एडी दूरों आओगे भई ये देर क्यों लाउणी, तुसी इन्ने क समय तक अपने पिंड दे अस्थान गुरुद्वारा साहब साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अगे अरदास करदे हो, साडे तक पहुंच जाएगी। फिर बाबा जी ने कहा भी साडा स्वास स्वास गुरु ग्रंथ साहब जी नाल बाणी नाल खह के आउंदा है, ये अंदर दी अवस्था दी गल है, ये अत कथनी नहीं है, ये उन्हां दी गल नहीं है जिन्होंने जाणिया नहीं है, ये उन्हां दी गल है जिन्होंने जाणिया ते माणिया, ये उन्हां दी गल है, ये उन्हां दी गल है जिन्हां दी सांझ है अपने प्रीतम नाल, जिन्हां दी सांझ है गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल, ये उन्हां दी गल है। कहिंदे साडा हर स्वास बाणी नाल खह के आउंदा है, किवें बई, जिन्ना सास गिरास ना विसरे। गुरु साहब तो कहंदे ने अवस्था है, किंतु परंतु करन वाला कहेगा है आ गल कई महापुरशा ने, साडा साह बाणी नाल खह के आउंदा ए किवें। हां भाई गुरु साहब इस अवस्था का जिक्र करते ने, जिन्ना सास गिरास ना विसरे हर नामा मन मंत धन से सेई नानका पूरन सोई संत। ओ पूरन संत है जिहड़ा स्वास स्वास नाम जपदा है, स्वास स्वास रच गया नाम, उतर गया नाम, रत्ता गया जो हर स्वास उसकी याद विच, हर स्वास विच प्रीतम हो गया, जिहड़े उसनों याद करदे करदे उसका चेता करदे करदे जिहड़े उहदे चेते विच पहुंच गए, ये उन्हां दी कहानी। जिहड़े परम पिता परमात्मा दे चित विच अवस्था पहुंच जाए उत्थे गल बनदी है। पहले तां जाप नितनेम कदे कर लिया, कदे रह गया, कदे डिग पए, कदे अठ उठ खड़े, यही कंडीशन रहिंदी हर समय जग्यासुआं दी साधकां दी। पर ओह जिहड़ा चित महाचित विच पहुंच गया, जिहड़ा घटाकाश महाकाश विच पहुंच गया, जिहड़ी बूंद सागर विच पहुंच गई, जिहड़ा घड़े दा सागर टुट के महासागर विच लीन हो गया, जिहड़ा जीव पना ब्रह्म पने दे विच लीन हो गया, अहम ब्रह्म अस्मि दी अवस्था प्राप्त हो गई, ए उन्हां दी अवस्था जिहड़े इस मार्ग ते चले ने, जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं इतना प्यार कीता है। कहिंदे स्वास स्वास साडा खह के आउंदा बाणी नाल खह के, ये भी उन्हां दे समझाउण दा ढंग सी कि दुनियावी बंदा वध तों वध इन्नी गल समझ सकदा है, पर उन्हां दी तां स्वास ही बाणी सी, ते बाणी ही उन्हां दा स्वास, उन्हां दे प्राण ही बाणी बन गया, उन्हां दा जीवन ही बाणी है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, उन्हां दा भोजन ही बाणी है, उन्हां दा ध्यान ही बाणी है, उन्हां दा ध्यान ही ब्रह्म है, उन्हां दा ब्रह्म ही भोजन है। वो धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी जिन्हां दी याद विच जुड़े हो, ये उन्हां दा बाग परिवार वाह भागां वाले हो, भागां वाले हो, वाह वाह। जिहड़े बाबा जी नानक सर खड़े होके कहिंदे हुंदे सी तुहानूं फिकर है, तुहानू जिहड़े इत्थे आ गए उन्हां फिक्र है नरकां दा, चिंता करदे हो ना। कहिंदे जिहने एक बार नानक सर वल हथ कर लिया गुरु की कृपा नाल कह रहे नरकां नूं नहीं जाएगा। बाबा जी कहिंदे एक पंछी लंघ गया नानक सर दी जगह तों, अस्थान तों,
कहिंदे गुरु नानक पातशाह दी मेहर नाल कह रहे दास वह पंछी नरकां नूं नहीं जाएगा। धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज जिन्हां दी बरसी दी याद च जुड़े हो तुसीं भागां वाले हो आ जलंधर नौरियां दी कोठी ठहरे बाबा जी। स्वामी ईश्वरदास जी शास्त्री जी महामरलेश्वर उदासी मत दे महापुरुष हुण उन्हां दा शरीर नहीं रहा सचखंड चले गए। पिछे जे दास नूं मिले उन्होंने कहा जदों नौरियां दी कोठी धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज आए ते कहिंदे साडे स्वामी जी संत दास जी ने मैनूं कहा ईश्वर जा ईश्वर दी सेवा च लग जा तेरा जीवन सफला हो जाएगा। महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरदास जी शास्त्री जी का बचन वो कहिंदे तुहाडे गुरुदेव इतने वड्डे महापुरुष रब दा रूप उन्होंने मैनूं बचन सुनाया कहिंदे अखीरले दिन हुक्मनामा आया दर्शन साध मिलियो वडभागी सब किल विख गए गवांझा सतगुर साहब पाया वडदाना हर किए बहुगुण सांझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उरतारियो मन मांझा धर्म दा धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। ये हुक्मनामा आया बाबा जी पहला बचन कर चुके सी ये स्वामी जी ने बचन सुनाया बाबा जी बचन कर चुके सी ते बाद विच हुक्मनामे तो बाद ता रागी सिंह जां फिर महापुरुष जिन्हां ने आ बाग लगाया इत्थे आ सुगंधी सिक्खी दी आ सुगंधी गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दी आ सुगंधियां बखेर रहे ने महापुरुष जां फिर एक कविता पढ़दे हुंदे सी संगतां नूं खंडे बाटे दा अमृत छकण दी प्रेरणा देण दी ते बाबा जी ने माइक बुला लिया कहिंदे माइक साडे कोल लैके आओ। माइक लिआंदा बाबा जी कोल बाबा जी कहिंदे वी अज मैं गुरु नानक साहिब दी कृपा नाल कह रहे हैं जिन्नी जलंधर विच संगत बैठी सारिआं दे लेखे पट गए। एक कोई कह सकता दुनियावी बंदा जिन्हों अपने नरकां सुरगां दी चिंता लगी होवे कोई कह सकता है ओही कह सकता है जंका कहिआ दरगह चले वो कह सकता है। हां पढ़ दिओ फिर ओ मिल गए संत प्यारे लेखा पाट गया मिल गए संत प्यारे लेखा पाट गया मिल गए सारे सिंह प्यारे लेखा पढ़वा लो लेखा आज सारे बाबा जी दी बरसी ते प्यारे लेखा बीबिया मिल गए संत मिल गए संत प्यारे लेखा पाट गया मिल गए संत प्यारे लेखा पाट गया मिल गए संत प्यारे लेखा पाट गया मिल गए संत प्यारे लेखा पाट गया। वाह वाह धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज एक बार रिक्शा ते बैठे जांदे सी पाकिस्तान पत्तों की वाल एक फाटक आया फाटक वाले ने फाटक लाया होया सी वो राह बहुता चलण वाला नहीं सी। जद बाबा जी जिस तांगे ते बैठे सी वो तांगा जाके खलोता फाटका ते तांगे वाले दे मन च आया चिट्टे बस्तर महापुरश ने महापुरश ने ध्यान देना जे इन्ना भी कदे भेख दा सत्कार कर दोगे पता नहीं की बरकतां ते बख्शिशां झोली च पै जाणियां ने पता नहीं की झोली च पै जाणा है। उन्हें देखिया चिट्टा लिबास है महापुरश लगदे है ते ए तांगा ना रोका अगां लंघा दिया अगां लंघा ले उन्हें फाटक खोले आके हाथ जोड़ के कहिंदा तांगे वाले नूं तांगा अगे ले जा
जदों तांगा अगे लै गए तो उन्हें मत्था टेकिया, जदों बाबा जी पिछे नूं मुख करके बैठे हुए सन उन्हें चरणा वाले नमस्कार की। बाबा जी कहन लगे हद हो गई, बड़े लोग पहला खलोते, इन्हें तंग इन्हें फाटक क्यों खोलिया। तांगे वाला कहन लगा जी दूरों वेख के डंडौतां करदा सी, नमस्कारां करदा सी, ते फिर इन्हें फाटक खोल के मैनों हाथ जोड़ के आके कहा कि महापुरश तांगे च बैठे ने भी अगे लंघा लै, महापुरशां नूं रोकण दी मेरी औकात नहीं। बाबा जी दया दे घर विच आ गए, मेहर दे घर विच आ गए। कहन लगे तेरे मन विच इतना प्यार आया लिबास नूं वेख के, नाम जपण वालियां नूं वेख के इतना प्यार नाल भर गया, इतना श्रद्धा नाल भर गया, तू साडे लई इत्थे फाटक खोलिया। चंगा याद रखें दरगाह विच नंद सिंह तेरे लई फाटक खोल देगा। मिल गए संत प्यारे लेखा पाट गया, मिल गए संत प्यारे लेखा पाट गया, मिल गए संत प्यारे लेखा पाट गया, मिल गए संत प्यारे लेखा पाट गया। कोई रसना खाली ना रहे, धर्म राज दा लिखिया लेखा पाट गया, धर्म राज दा लिखिया लेखा पाट गया, लो भाई असीता ओ हक नहीं रखदे, असी कह दिए तुहाडे लेखे पाट गए, पर साडे बापू दा हक है भाई, साडे बापू दा हक है दरगाह विच जिन्हां दा कया चलदा है ते उन्हां दी याद च जुड़ बैठे हो, जेड़ा बोलेगा हाजरी लग जाएगी। धर्मराज दा लिखिया लेखा पाट गया, धर्मराज दा लिखिया लेखा पाट गया, धर्मराज दा लिखिया लेखा पाट गया, संत प्यारे लेखा पाट गया, मिल के संत प्यारे लेखा पाट गया, मिल गए संत प्यारे लेखा पाट गया, मिल गए संत प्यारे लेखा पाट गया। ओ बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज इतनी समर्था दे मालिक, जिन्हां दी याद विच जुड़ बैठे भागां वाले, ओ जिन्हां ने सानूं गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल जोड़िया। स्वामी ईश्वरदास जी शास्त्री कहन लगे चौथे पंजवें दिन, 12-14 दिन शायद बाबा जी इत्थे रहे, कहिंदे चौथे पंजवें दिन बाबा जी मैनूं कहन लगे काका संत जी, काका जी कित्थों आउंदे हो। कहिंदे दास ने बेनती की भी स्वामी संत दास जी महाराज का सेवक हाँ, ते उन्होंने मेरी सेवा लगाई है आप जी की सेवा च, ते कहिंदे मेरी बांह फड़ के कहन लगे वो साड़ी सेवा कादी करनी है, तू ना स्वामी संत दास जी दी इशारा समझना कि कित्थे जोड़दे सी, इशारा समझना कित्थे जोड़दे सी। बाबा जी कहंदे स्वामी संत दास जी दी आग्या लैके गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सेवा च लग जा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, दरगाह दियां पुंजियां मिल जाणगियां, क्योंकि दरगाह दे मालिक इस समय दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आओ सर
मोको तो परोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो परोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो परोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, है ना भरोसा सारिआं नूं है, बोल के दसो जरा है ना, अच्छा सबूत दे दिओ गुरु साहिब दे सामने, वाह भाई अज वादा करो कि बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज की बरसी ते गए सी, संत बाबा गेजा सिंह जी ने बुलाया सी ते वादा कराया सी कि के असी तां देहधारी नूं की गुरु मनना, असी किसे अपने भैण भरा भी जिहड़ा मनदा होवेगा उहनूं हटा के गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लावांगे, दिओ सबूत। गुरसिख ने देहधारी नूं गुरु नहीं मनना, यह बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज दा। बाबा आनंद सिंह जी महाराज एक बार कलेरां सन, ते दास नाम नहीं लैना चाहुंदा, कोई महापुरश उत्थी आए ते जदों बाबा जी कुटिया तो बाहर आए ते महापुरशां दा आसन लग्या होया सी, बड़े सेवक पास खड़े सी ते एक चौर कर रहा सी, ते बाबा जी कहण लगे ए चौर दा हक केवल ते केवल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं है, घर आयां नूं कहना कितनी वड्डी गल है, ये शेर वर्गा हौसला होवे तां कोई कह सकदा है। ये बुकिया सिंह उजाड़ विच ये मेरा गुरु नानक बुकिया, ते मेरे गुरु नानक दे संत ते प्यारे भी बुकदे, सच गरजदा उन्हां दी रसना ते। बाबा जी कहण लगे ये हक केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं है, किसी देहधारी नूं हक नहीं चौर कराउण दा। ते फिर बाबा जी ने कहा मैं तां संत समझ के आया सी अंदरों, तू तो गुरु बनिया फिरदा ते मेरा गुरु तो केवल गुरु ग्रंथ साहिब है। फिर बाबा जी कहते जेड़ा सिख पंथ विच होके गुरसिखां दे घर विच होके जन्म लैके अपने ते चौर कराउंदा है, वह भी दरगाह च फड़िया जाएगा, ते जेड़े चौर करदे ने वह भी दरगाह च फड़े जाणगे। सतवें पातशाह एक बार सैर करन जा रहे सी, घोड़े ते चढ़ के सिख नाल से एक बहुत वड्डा सप मरिया पिया ते कीड़ियां लगिया होईयां, ते गुरु हर राय साहिब मुस्कुराउण लगे, सिख कहिंदे सतगुरु जी की कौतक है, कहिण लगे ए ओ है जिहड़ा दंभी पखंडी अपने आप नूं गुरु अखवाउंदा सी, होया कि जिहड़ियां कीड़ियां ते कीड़े खा रहे ने ए उहदे सिख सेवक ने, आप सप बनेगा ते कीड़े कीड़ियां सेवक बनणगे। जेड़ा दरगाह की प्रवानगी तो बिना कोई गुरु बनता है ये उहदी हालत, ये उहदी हालत। अजकल दुनियादारी, अजकल एक सिस्टम है, सिस्टम नाल दुनिया नूं जोड़िया जा सकता है, भोले भाले लोगों नूं हाँ पिछे लाया जा सकता है, पर दरगाह दियां कुंजियां पास होनियां, सच दी पूंजी कोल होनी, नाम देण दा हक उहदे पास होना, यह दूसरी गल है। वह बाबा जी कहिंदे सी केवल ते केवल नाम देण दा हक केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं है, जो ऐसा स्थान ते संपूर्ण तौर ते मर्यादा चल रही। हुणे सुन रहे सी ना सत्कारयोग संत भाग सिंह जी तो हुणे सुन रहे सी ना कि खंडे बाटे दा अमृत छकाया जाणा कल है कि नहीं, सिखी दे केंद्र है, सिखी दे केंद्र, वाह वाह, नानक सर दा निशाना ही है गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल जोड़ना, खंडे बाटे दा अमृत छकाउणा। मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो महाराज गुरु ग्रंथ।
गुरु ग्रंथ महाराज, गुरु ग्रंथ महाराज, गुरु ग्रंथ महाराज। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहंदे सी, जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं होली बुक कहंदा है उहदी जुबान क्यों ना सड़ गई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं धार्मिक ग्रंथ कहंदा है, ग्रंथ कहंदा है, धार्मिक पुस्तक कहंदा है, पवित्र पुस्तक कहंदा, उहदी जुबान क्यों ना सड़ गई। ये मेरे जीवत जीवंत जागदी जोत सतगुरु ने, तुसीं दसां पातशाहियां दी जोत नूं ग्रंथ कहो सिद्धांतिक तौर ते गलत है। हां, पवित्र पुस्तक बाइबल है, क्योंकि बाइबल च पवित्रता दा उपदेश। इत्थे दसदा किसे धर्म दा जां धार्मिक ग्रंथ दा खंडन करन दा मकसद नहीं, ते सिख नूं हुक्म भी नहीं किसे धर्म ग्रंथ दा खंडन नहीं करना। सिख ने किसे धर्म दा खंडन नहीं करना। रहत नामे च हुक्म है, आन धर्म दुनिया में जेते, होर धर्म दुनिया च जितने भी ने, सिखा तेरे धर्म नूं छड़ के। आन धर्म दुनिया में जेते, निंद करे ना कब हूं तेते। निंदा नहीं करनी किसे दी, पर इस सिद्धांत दी गल कर रहे हैं। मुबारक है जेड़ा बाइबल नूं पवित्र पुस्तक कहे, क्योंकि पवित्र है, उहदे विच सुगंधी है, धरती ते पवित्रता बिखेरदी है। कुरान पवित्र है, उहदे च पवित्र उपदेश है। गीता पवित्र ग्रंथ है, क्योंकि परमात्मा का जिक्र है उहदे विच। रामायण पवित्र ग्रंथ है, क्योंकि सदा उपदेश है उहदे विच। चार वेद पवित्र ने, क्योंकि पवित्रता की गल कही है। 18 पुराण पवित्र ने, भगतां संतां अवतारां गुरुआं दीआं साखियां कहानियां ने विच। 27 सिमरतियां पवित्र ने, क्योंकि रिशियां दी किरत है। रिशि कदे अपवित्र नहीं रचते, पवित्र ही रचे। पर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पवित्र पुस्तक नहीं। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जीवंत सतगुरु, सिख कौम दे मौजूदा सतगुरु ने, ग्रंथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहला मन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि सिख जगत दे सिखां दे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महज एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं ने, ਇਹ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੀਵੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੰਨੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਬਣੇਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, कदे होली बुक ना कहना। होली बुक जिहड़ा सिख कहिंदा है, इह जाणदिआं होइआ कि दसवें पातशाह ने हजूर साहिब आग्या कीती सी ते गुरियाई गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं दित्ती सी। इह कहा सी कि साडी हुण जोत इत्थे निवास करेगी, गुरगद्दी दा तिलक वी दे दित्ता सी। ते फिर कोई कवे कि यह ग्रंथ है सचमुच बाबा जी का बचन इतना गहरा कि जुबान क्यों ना सड़ जाए। दूसरा पॉइंट कि बाइबल नो जीसस क्राइस्ट ने गुरगद्दी का तिलक नहीं दिता, वो इसलिए भी गुरु नहीं है, वो धार्मिक ग्रंथ है, वो एक धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। ਇਹ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ
गुरियाई दे देवे। गीता गीता नूं भगवान कृष्ण जी ने गुरगद्दी दा तिलक नहीं दिता। रामायण नूं भगवान श्री रामचंद्र जी ने गुरगद्दी दा तिलक नहीं दिता। कुरान नूं हजरत मुहम्मद साहिब ने गुरगद्दी दा तिलक नहीं दिता। अपनी जगह पीरी पैगंबरी नहीं दिती। चार वेदां नूं बर्मा जी ने गद्दी नहीं दिती। 18 पुराणा नूं ते 27 सिमरतियां नूं इन्हां दे करता ऋषियां ते आचारियां ने अपनी जगह गद्दी दा तिलक नहीं दिता। पर मेरे सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं कलंगीधर पिता ने गुरगद्दी दा तिलक दिता है। इसलिए भी दूसरे धार्मिक ग्रंथा तो यह विशेष है बात, यह सिख सिद्धांतों के मुताबिक नहीं मैं कह रहा, यह मैं सारे धर्मां दे पॉइंट ऑफ व्यू तो गल कह रहा, उन्होंने मुताबिक कह रहे हैं। उन्होंने भी कदे चर्च विच बाइबल नूं इउं नहीं रखिया जिवें जीसस क्राइस्ट का स्थान है, क्योंकि गुरगद्दी का तिलक ही नहीं दिता। कुरान नूं कदे मुस्लिम धर्म ने हजरत मुहम्मद साहब की जगह नहीं रखिया। गीता नूं हिंदू धर्म ने कदे भगवान कृष्ण की जगह नहीं रखिया। रामायण नूं कदे भगवान श्री रामचंद्र जी की जगह नहीं रखिया। सिमरतियां पुराणा नूं ऋषियां की जगह नहीं रखिया। वेदा नूं बर्मा जी की जगह नहीं रखिया। पर साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक की जगह बैठते हैं। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कलंगीधर पिता की जगह विराजमान ने और सिख जगत से मौजूदा सतगुरु। गुरगद्दी जदों दित्ती सी ते कुछ शंका सुबह होना जरूरी सी, सुभाविक सी, क्योंकि हमेशा सामने चलते फिरते सतगुरु प्यार करन वाले सतगुरु दी गोद दा निक माणिया सी। एकदम किवें गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरु मन्निया जावे ते सिखां ने सवाल कीता जी साडा जदों दिल पीड़ा नाल भरेगा, दुखी होवांगे, कष्ट होवेगा, ते फिर किस अगे बेनती करांगे। सतगुरु जी ने कहा खालसा जी मैं ऐसे गुरु दे लड़ ला के चले हैं, जद तैनू दुख होवे, कष्ट होवे, पीड़ा होवे, तेरी कोई हिरदे दी दास्तान होवे, आना हजूरी विच, हजूरी विच आके अरदास करनी, जी की बिरथा होए सो गुर पह अरदास कर, अरदास करनी ते फिर ताबिया बैठ के बचन लेना, जो तेरी समस्या होवेगी उहदा समाधान तैनू उस पाठ विचों मिलेगा। तो दास तां इत्थों तक गवाही दे सकदा है कि जे पाठ भी चल रहा होवे, क्योंकि ताबिया बैठ के तो हो सकता तुसी अपनी मन मर्जी के शब्द भी ले सकते हो, पाठ चल रहा है तुहाडे मन अंदर कोई विचार चल रही है, ये ओ गुरमुख प्यारे हामी भी भरनगे इस गल की जिन्हों का यह मार्ग रहा है। तो मार्ग है तुहाडे हिरदे अंदर कोई दुख होवे, पीड़ा होवे, कष्ट होवे, सवाल होवे, आके बेनती करो, अरदास करो, ते अखंड पाठ साहब चल रहे ने ते हजूरी च बैठ जाओ। श्रद्धा नाल सतगुरु जी मैनू ऐ जवाब दिओ, 5-7 मिनट के अंदर तुहाडियां सारियां गल्लां दा जवाब मिल जाएगा, सारियां गल्लां दा जवाब। ये बुक्कल विच रोड़ी भन्नण वाली गल नहीं, प्रैक्टिकल कर लेना। पाठ भी होने ने तुहाडे पिंडां च भी होने ने, घरां च भी हुंदे ने, वेख लेना, कर लेना, प्रैक्टिकल परख लेना। इस सतगुरु जवाब देवेगा, तेरे दुख सुनेगा। कलंगीधर पिता ने कहा तो सतगुरु जी ने जिथे होर महिमा दसियां, एक कहा कि देखो मैं नदेड़ हां ता मेरे शरीर की हाजरी केवल नदेड़ विच है। नदेड़ विच हजूर साहब बैठिया संगतां ही मेरी हजूरी च बैठिया ने। खालसा जी जेड़े गुरु दे लड़ ला के चले हैं ये इक्को समय अनेकां जगह पिंडां विच, शहरां विच, हर कलोनी च, हर देश,
हर सूबे च हर गुरुद्वारा साहिब इक्को समय दरबार सजा के बैठेगा और हर जगह इहदी हाजरी होवेगी। तो ये विशेष मेरे नालों भी एक कलंगीधर जी हुण खुद महिमा दस रहे ने कि मेरे तो भी अधिक करके जानना इस दी महिमा। एक ये गल ते दूसरी गल कि मेरा शरीर जन्मया, क्योंकि जोत दा तां कदे विनाश है ही नहीं, आत्मा तां कदे मर नहीं सकदी, ना हथियार नाल, ना गोली नाल, ना अग नाल, ना पानी नाल, आत्मा तां कदे नहीं मरदी, जोत कदे नहीं जा सकदी। वो कहिंदे साडा शरीर जन्मया है पर अशुरा वजिया ते हुण अकाल पुरख जी दे हुक्मां द्वारा इस शरीर शांत हो रहा है, इस शरीर दा उल्ला हो रहा है, उल्ला हो रहा है, शरीर उल्ले कर रहे हैं। गुरु नानक साहब आए, उन्हां दा जन्म, शरीर दा जन्म होया ते शरीर दी मृत्यु भी होई। साडे शरीर दा जन्म होया, साडे शरीर दी मृत्यु भी हो रही है। खालसा जी, मैं तुहानूं ऐसे गुरु ते लड़ ला के चलिया जिहदा जन्म तो होया, आ जिहड़ा 400 साल मना के हटे हो ना हरिमंदर साहब दे अंदर, ये जन्म कहिंदे जिहदा जन्म तो होया, ऐसे गुरु ते लड़ ला के चलिया जन्म तो होया, इहदी कदे मौत नहीं होवेगी। मुख तो परोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मुख तो परोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मान परतक गुरु निसतारे। ग्रंथ महाराज, गुरु ग्रंथ महाराज, गुरु ग्रंथ महाराज, ग्रंथ महाराज, गुरु ग्रंथ महाराज, गुरु ग्रंथ महाराज, गुरु ग्रंथ महाराज। वाहिगुरु 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 मिनट का दरगाही प्रसाद शब्द विच सुरत जोड़ लो, सुरत दी बुक
सुरत दी चुली कर लो चुली, सुरत दी पात्रता बना लो, शब्द दा प्रसाद ले जायो। जे सुरत दी पात्रता ना बनाई, शब्द दा प्रसाद मिट्टी विच गिर जाएगा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मन मौजूद हो जाए शब्द वाहिगुरु। गुरु नानक साहब ने कहा सी मुल्ला नूं कि तू हाजर नहीं सी, तेरा मन नहीं सी नमाज। नवाब नूं कहा सी तेरा मन नहीं सी नमाज, मैं किवें नाल हुंदा। ते सिखा जे तू वी शब्द विच ना होया ते मेरे गुरु नानक साहब तेरे नाल नहीं। हो जा शब्द एट प्रेजेंट, हाजर हो, मौजूद हो। वाहिगुरु वाहिगुरु रसना ते शब्द, शब्द विच सुरत, सुरत शब्द दाने। फिर रोज अमृत वेले बैठ के एवें जपी सुरत टिकाई। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। नेत्रां विच शब्द वाहिगुरु, मस्तक विच शब्द वाहिगुरु, कन्नां विच शब्द वाहिगुरु, हृदय विच शब्द वाहिगुरु, नाभि विच शब्द वाहिगुरु, हत्थां पैरां च शब्द वाहिगुरु, रोम रोम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तेरा शरीर शब्द ही शब्द हो गया, शब्द ही शब्द। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। फिर जपद्या जपद्या इथों तक पहुंच जाए कि शब्द की बचे, देवी ना बचे, देवी ना बचे, वाहिगुरु शब्द ही बचे। वाहिगुरु कुछ समय तक भुल जाए कि देवी सी तू, शब्द ही, शब्द विच ज्यो, दे चो निकल जा, दे चो निकल जा, दे चो निकल जा, दे चो निकल जा। वाहिगुरु शब्द विच, शब्द विच वाहिगुरु 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 वाहे।
जेडे महापुरशां ने सत्कारयोग संत बाबा गेजा सिंह जी ने रंग भाग लाए ने असी इकट्ठे विचरदे रहे विदेशां विच वी खंडे वाटे दा अमृत छकाना असी छोटे हुंदे असी अमृत छकण वाली भूमि तैयार करदे सी बाद विच इन्हां नूं बुलाउंदे सी आ गुरदासपुर दे इलाके विच एक जगह खजाले पिंड च गए उत्थे महापुरशां ने उदों कविता भी पढ़दे हुंदे सी नाल साढ़े नाल पिछे मैंडोलीन वजा रहे ने संत अजमेर सिंह जी उन्हां नूं भी नाल ला लैंदे सी कविता विच ओह इन्हां दे शिष्य ने संत अजमेर सिंह जी जिहड़े मैंडोलीन वजा रहे उत्थे इन्हां ने कविता पढ़ी एक कविता इन्हां दी बहुत मशहूर सी खंडे बाटे दा अमृत छकण वास्ते प्रेरणा देण वास्ते अमृत छक लो खंडे दी धार दा ये उहदा मुखड़ा हुंदा सी अमृत छक लो खंडे दी धार दा ते उहदे विच ना अखीरला एक स्टंजा सी अखीरला बंद जिहदे च अक्सर जिहड़े पिंड जांदे सी उस पिंड दा ही नाम भर दिंदे सी विच बार बार कहना है खुंझणा ना गल नूं खजाले पिंडों चलना जहाज चल कल नूं असी खजाले गए सी ते रहे सी बोपा राय पिंड च ते बोपा राय पिंड तों खजाले दीवान लाउण लगे सी उत्थे इन्हां ने पढ़ी कविता कहिंदे बई बार बार कहना खुंझणा ने गल नूं खजाले ना बोपा रायो चलना जहाज कल नूं ते टिकट कटा लियो सारे परिवार दा अमृत छक लो खंडे दी धार दा ए जदों इन्हां ने सुनाया ते दूसरे दिन सवेरे सवेरे एक माता अपना अटैची केस लै के उत्थे बोपा राय आ गई कहिंदे भाई जहाज कित्थों चलना है भाई जहाज कित्थों चलना है वो साढ़े एक साथी होंदे सी भाई हरनेक सिंह हुण तां अमेरिका रहिंदे ने उत्थे किरत करदे ने शादी तो नहीं करवाई पर उत्थे रहिंदे ने तो वो बहुत मजाक कर लेंदे सी हस खेड लेंदे सी कहिंदे माता आ पिंड दे बाहर खड़ा है कोई नहीं लै चलदे आ जे टिकट तां कटवा ते फिर उन्हूं समझाया जल पानी छकाया वो बेचारी खजाले तो तुर के आई कहिंदे असी भाई कित्थे देखना सी जहाज सारी जिंदगी महापुरशां ने कलेरां वाले ने कृपा कीती बोपा राही जहाज लै आंदा फिर उन्हूं समझाया नहीं ये जहाज तां ओ है जिहड़ा इत्थे ही तुहानूं चढ़ा के गेड़े देण वाला ने कि इत्थों चढ़ो ते दिल्ली उतर जाओ इत्थों चढ़ो बैंकॉक जां अमेरिका उतर जाओ ये महापुरश तां उस जहाज चढ़ाउण वास्ते आए ने जिहड़े जहाज ते माता तूं चढ़ जाए ते सचखंड विच उतरेंगी जाके तो धन भाग बहुत खुशी की गल है इन्हां शब्दां नाल समाप्ति सत्कार सहित फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा।